हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो 12 बज चुके हैं और लंच भी मेरा लगभग तैयार ही है। रोटी डालनी है, वो थोड़ी देर रुक के तब डालूँगी। उससे पहले हम खाएंगे खाना, क्योंकि रोटी तो यही खाते हैं आके, हम तो बस चावल खाते हैं, तो हमारा खाना तैयार है। आवाज़ बंद कर, इसका पेपर होना अभी थोड़ी देर में, अभी इसका पेपर आया नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो शुरू कर दी है। बंको हेलो बोल, बंको अभी से नींद हो रहा है, बच्चे घर में रह रह के आलस में रहने लगे, और शीरो भी कोने पकड़ रहा है, कभी इधर लेट रहा है कभी उधर लेट रहा है। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगी खाना, और उसके बाद फिर बच्चा बच्चा थोड़ा बहुत काम है, बस रोटियां डालनी है, बाद में डालनी है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, भगवान जी के भी दर्शन कर लीजिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाची जी के यहाँ। तो पहले सालू आई थी हमारे घर, और सालू कहने लगी चलने के लिए, तो फिर मैं आया और बंकू, हम दोनों आ गए थे उसके साथ। और इधर से फिर हमें बंकू के पापा आ गए थे लेने के लिए, वो ले गए थे शाम के टाइम। तो पूरी दोपहर ही हम वहीं रहे, और जब हम घर से चले गए तभी बारिश शुरू हो गई थी, तो इसलिए रास्ते की वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई, बस घर की छोटी सी क्लिप बनाई थी। और ये जो पीछे अलमारी दिख रही है, ये सालू ने बनाई है, तो देखिए और बताइए कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैं, बंकू, चाची जी और सालू, हम सब बैठे हुए हैं। इससे पहले वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उनके पड़ोस ने भी आके बैठ गई थी, तो फिर दूसरों की वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और जब हम अकेले हुए तो तब मैंने वीडियो बनाई थी। और अब हम चल दिए हैं घर के लिए, और रास्ते में भी हम एक दुकान पर कुछ काम से रुके थे। तो इस टाइम बज रहे हैं रात के 8:30 बज चुके हैं, और किचन में अभी मेरा कुछ काम पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह हैं जो मुझे मांजने हैं। और मैं दोपहर चली गई थी चाची जी के यहाँ, दोपहर सालू आई थी उनकी बेटी, तो फिर उनके साथ चली गई थी मैं, और मैं आई थी फिर शाम को। और शाम को आने के बाद फिर मैं लगी अपनी वीडियो एडिट करने में, तो इसलिए मेरा आज काम लेट हो गया है। तो अब मैं करूँगी किचन की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, खाना थोड़ा बहुत खाना है जो हमारा रखा हुआ है, और ज़्यादा खाने की किसी की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम उधर से आए थे तो ये समोसे और जलेबी लेते हुए आ गए थे, तो हमने वो खा लिए थे। तो चलिए फिर अब मैं मांजूंगी बर्तन और किचन साफ़ करूँगी, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं लग चुकी हूँ किचन में अपना काम करने, और सबसे पहले मैं भरूँगी बोतलें पानी से। तो बोतल भरूँगी मैं मोटर के पानी से, और भर के इन्हें फिर रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि अब इन दिनों गर्मी काफ़ी पड़ने लगी है, तो बिल्कुल एकदम गर्म पानी भी नहीं पिया जाता, और बार बार मोटर चलाना भी सही नहीं होता। तो इसलिए बोतलों को भर के फ्रिज में रख दूँगी, और जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद बाहर निकाल के और ताज़े पानी में मिक्स करके तब पी लेते हैं। और पानी भरने के बाद अब मैं लग गई हूँ बर्तन मांजने, और बर्तन मांजने के बाद साथ के साथ मैं किचन को भी क्लीन करके छोड़ दूँगी। और एक हाउसवाइफ का यही रोना होता है, अगर घर से बाहर निकल जाएँ तो घर में और दुगने काम फैले हुए मिलते हैं, और जिसमें कि बंकू मेरे साथ ही था, बस निक्की और निक्की के पापा थे घर में। और घर पे आके देखा है तो काम इतना फैला हुआ मिला है कि उसे घर को देख के ही पहली बात तो दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन करना तो है ही, तो इसलिए लग गई हूँ। और बाहर घूमने में गई थी, तो हर जाना भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और वैसे मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ कि पूरे घर को संगवा के जाऊँ, लेकिन कितना भी संगवा के चले जाओ, लेकिन आप कहीं से बाहर से आते हो तो घर आपको फैला हुआ मिलता ही है। मेरे साथ तो यही होता है, और आप सब बताइए आपके घर में क्या होता है।
बर्तन वगैरह हो गए हैं मेरे, अब मैं डालूंगी मिर्च का अचार। मिर्चें मेरी कल की सूखी हुई रखी है, तो चलिए फिर। तो अचार डालने के लिए सबसे पहले तो मिर्चों को काट के मैंने एक दिन की धूप लगा ली थी, और अब ये मिर्चें मैंने भर दी हैं डब्बे में। और डब्बे में भरने के बाद इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और एक चम्मच धनिया। और अचार के मसाले में डालूंगी मैं इसमें सौंफ और राई, और आप सरसों भी यूज कर सकते हैं राई की जगह। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके और मैं रख दूंगी। और अचार डालने का इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि किसी किसी के हाथों में मिर्चों के हाथ लगाने से जलन हो जाती है, और इस तरह से अचार डालने से हमें मिर्चों के हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी और हमारा अचार डल जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। तो आप भी ट्राई कीजिए। तो ये लीजिए, अचार भी मेरा डल चुका है, अब मैं इसे रख दूँगी और 2-3 दिन बाद ये खाने लायक तैयार हो जाएगा। और अब मैं लगा दूँगी अपने ये जो बर्तन मांजे थे वो बर्तन। ये कप टूट गया था आज, इसे पंकु ने फेंकने नहीं दिया। उसे ये लगती है घर में कोई भी चीज़ टूटे बस उसमें प्लांट लगा दो, तो देखते हैं फिर कुछ लग पाता है या फिर फेंक दूंगी नहीं तो इसे। बर्तन वगैरह सब बन चुके हैं, किचन भी क्लीन हो गई है, और अब मैं देखती हूँ अगर ये खाना खाएंगे। अभी तो वैसे थोड़ी देर पहले मना कर रहे थे, तो खाना भी दे दूँगी और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बंकू की आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसके पेट में दर्द है, और बंकू वैसे भी जगा रहता है जब तक मैं जगती हूँ। तो अब हम सोएंगे, गुड नाइट, और इस व्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अच्छा गुड नाइट बोल दे एक बार। गुड नाइट। चलो।